प्रियंका चोपड़ा की लव लाइफ अचानक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। अपने से कम उम्र अमेरिकी सिंगर निक जोनास के साथ उनके रिश्तों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन तमाम अटकलों के बीच प्रियंका चोपड़ा अपने बॉयफ्रेंड निक के साथ शुक्रवार तड़के मुंबई आई और अपने जुहू स्थित घर पर पहुंची। दोनों जब मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो दोनों मीडिया से कतराते रहे, दोनों साथ में फोटो खिंचवाने से बचते रहे और जल्दबाजी में छिपते छिपाते वहां से निकल गए। दिन भर अपने घर में आराम फरमाने के बाद प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड निक और अपनी मां मधु चोपड़ा के साथ शुक्रवार की रात तकरीबन 10:15 बजे अपने घर से निकली और आधे घंटे के अंतराल के बाद मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मशहूर जापानी रेस्तरां में डिनर डेट के लिए पहुंची। हालांकि प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा भी उनके साथ थीं, मगर जहां प्रियंका और निक एक ही कार में सवार होकर इस रेस्तरां में पहुंचे थे तो वहीं प्रियंका की मां मधु पीछे पीछे दूसरे कार में आईं। बता दें कि ये वही रेस्तरां है जहां अक्सर बॉलीवुड के कई सितारे खाना खाने के लिए आते हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका निक को अपनी माँ और अपने खास दोस्तों से मिलाने के लिए मुंबई लाई हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका और निक एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों जल्द शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। हाल ही में निक जोनास प्रियंका चोपड़ा को अमेरिकी शहर न्यू जर्सी के अटलांटिक सिटी में अपने कजिन की शादी में ले गए थे और वहां पर उन्होंने प्रियंका को अपने परिवार वालों से भी मिलाया था। प्रियंका और निक दोनों की पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में 2017 में हुई थी और फिर दोनों ने साथ में मेट गाला में हिस्सा लिया था। इस इवेंट के रेड कार्पेट पर भी दोनों साथ चले थे। हाल ही में प्रियंका और निक एक यॉट पार्टी में भी अपने दोस्तों के साथ नजर आए थे तो वहीं दोनों एक बेसबॉल मैच के दौरान भी साथ देखे गए थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका और निक की ये लव स्टोरी किस मुकाम पर पहुंचती है। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।